सीएम अशोक गहलोत मेवाड़ दौरे पर हैं। इसी के तहत सीएम बांसवाड़ा भी जाएंगे, जहां वो कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले हमारे संवाददाता ने लिया वहां की स्थिति का जायजा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा पहुंच रहे हैं। यहां वागड़ क्षेत्र का यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा के दौरे पर आते हैं। साथ में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बांसवाड़ा के जेर में पहुंचेंगे, जहां अनास नदी है पीछे, उसके ऊपर एनीकट बनाया जा रहा है जो 17 करोड़ की लागत से बन रहा है। तो वहीं दूसरी ओर पंचायत समिति जो सज्जनगढ़ है, वहां पर आईटीआई जो प्रशिक्षण संस्थान है उसका भी लोकार्पण करेंगे। दोनों कार्यक्रम एक ही जगह रखे गए ताकि यहाँ पर सब तरह का काम हो सके। बाद में एक किसान सभा को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर वह आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि यह जो एनीकट है 17 करोड़ की लागत से बनेगा, उसमें करीब 54 गांव जो है पानी के लिए लाभान्वित होंगे और उसके साथ ही यह करीब 1968.5 लाख की जो अनुमानित लागत है उससे भी बनाया जा रहा है। और जल संग्रहण जो क्षेत्र है 4430 स्क्वायर क्यूएक, उसके लिए यहाँ पानी के लिए किसानों को भी काफ़ी राहत मिलेगी और कृषि के लिए यह पानी जो है किसानों को वरदान साबित होगी। कैमरा पर्सन सुरेन के साथ राजेश सोनी, A1 TV, बांसवाड़ा।